नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं जेके उपहार सीमेंट के जो कूपन है, जेके उपहार का जो वॉल पुट्टी है उसके बारे में, आपको इस कूपन के बारे में, यह जो कूपन आपको दिख रहा है यह कूपन के बारे में, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कूपन के पैसे कैसे निकलेंगे और कौन सा ऐप चालू करवाना है, कैसे ऐप आपको इंस्टॉल करना है, कुछ कैसे उसमें एंट्री करना है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है, वो प्रोफाइल कैसे बनाना है, सब आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको यह वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आ जाए और इस वीडियो के जो भी कूपन स्कैन है अपडेट से लेकर आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपका ऐप कैसे चालू होगा और कैसे उसके पैसे निकलेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको जाना है आपको कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद से आपको सर्च करना है। देखिए हम प्ले स्टोर पे जा रहे हैं और हम यहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे जेके उपहार के नाम से एक ऐप है जिसका यह एक 13 MB का ऐप है और इस ऐप को हम इसमें डाउनलोड करेंगे, बोले तो इंस्टॉल करेंगे, हमारा ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। कुछ इंस्टॉल करते हुए आपको जब यह एक 12 MB का है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक प्रोडक्ट के जो भी कूपन है उसके बारे में आपको यहाँ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। और ये जेके उपहार का जो भी ऑफ़र आएगा, जैसे कि कुछ स्कीम आया, ऑफ़र आया, तो इस वीडियो में आते ही आपको पहले जानकारी मिल जाएगी। तो आपको देखिए हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम ओपन, चलिए दोस्तों अभी हम यह ओपन करना शुरू कर दे रहे हैं। हमारा ये ऐप अभी चालू करेंगे। ऐप चालू करते ही देखिए अभी इसमें क्या लिख रहा है, इसमें मांग रहा है यूजर नेम, मतलब कि आपका नाम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, मतलब कि जो पहले से ही किसी ने अपनी आईडी बना के रखा है वह उसके लिए मांग रहा है। अगर आपकी आईडी नहीं बन रही है, आपको पहली बार इसको आईडी बनाना है, तो नीचे देखिए यह लिख रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको क्या क्या इसमें रजिस्ट्रेशन में लगेगा इस पर, देखिए मैंने यह रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह ओपन किया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। यह है हेल्पलाइन नंबर, इसमें मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूँगा। देखिए आपको इसमें पहले पूछ रहा है कि इसमें सेलेक्ट योर यूजर टाइप्स, मतलब आप किस टाइप के काम करते हो, जैसे कि रिटेलर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, टाइल अपक्लेटर हो, पेंटर हो, या क्या हो, जैसे कि आपको इसमें जो हो, जैसे कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर नाम से आईडी बना लेता, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो यह आईडी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से सबमिट हो जाएगी। आपका इसमें पूछ रहा है फर्स्ट नेम क्या है, यह है मेरा फर्स्ट नेम, तो मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया। उसके बाद से मैं मिडल नेम पूछ रहा है, ये मिडल नेम हमने डाल दिया, तो ये मिडल नेम डालने के बाद से आपको डायरेक्ट इसमें जाना है जेंडर में, आप फिर लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो हमने इसमें मेल डाल दिया। अभी नीचे दे रहा है मोबाइल नंबर, कौन से मोबाइल नंबर से आपको नंबर रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, यह नंबर से मैं अपना आईडी चालू कर लेता है, यह मेरा नंबर हो गया, ये नंबर से मैं आईडी चालू करता है। इसमें बोल रहे अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर नहीं है ऐसा लिख के चालू कर लेने का। नीचे बोल रहे अपना ईमेल आईडी, बोल रहे कि कुछ ईमेल आईडी इसमें सबमिट करने के लिए, तो ईमेल आईडी अगर आपका है तो सबमिट कर दीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए, कोई इसकी वो ज़रूरत नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है इसमें, इसमें देख रहा है डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है कि आपका आधार कार्ड पे कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें भरते ही आपको क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, इसमें कौन से डेट को आपने जन्म लिया, आधार कार्ड पे कौन सा डेट है उसमें यह भर लीजिए आप। तो चलिए हमने इसमें अपना डेट भर लिया है और भर के इसमें क्या क्या हमने इसमें लिख रहा है आपको यस या नो में बताना है, वो मतलब पे एंटर हो क्या हो, इसमें यस डाल देने का कुछ भी है। और इसमें देख रहा है कि आपको मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब कि ये है आपको मैरिड स्टेटस, इसको क्या करना है, मैरिड ये हो गए, अगर आपकी शादीशुदा हो तो आप इसको मैरिड में क्लिक कर देना है, मैरिड में क्लिक कर दिया हमने। अभी यहाँ पे लिख रहा है आपकी आईडी टाइप, मतलब कि आपके पास आईडी क्या है, तो आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी इसमें डाल सकते हो,
जैसे कि आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है या आपको नरेगा है, तो इसमें आप पैन कार्ड भी भर सकते हो, इसका कुछ नहीं। इसमें पैन कार्ड नंबर इसमें अपलोड कर दो, जैसे कि हमने इसको पैन कार्ड नंबर अपलोड कर दिया। उसके बाद से आपको यह पूछ रहा है एड्रेस लाइन, मतलब कि आपका एड्रेस कौन सा है। तो एड्रेस में क्या करने का है, आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वही इसमें भर देना। जैसे कि यह मेरा एड्रेस हो गया, मैं अपना एड्रेस इसमें भर दिया। उसके बाद इसमें पूछ रहे हैं आपका एरिया पिन कोड, ये हो गया मेरा एरिया पिन कोड। उसके बाद से आपको करंट एड्रेस पूछ रहा है, ये करेक्ट एड्रेस हो गया आपका। अब उसके नीचे जाइए, कुछ टर्म्स हैं इस पर क्लिक करिए। उसके बाद से आप ओटीपी ले लीजिए, जैसे कि पूरा यह फाइल भरने के बाद आपको इसमें ओटीपी के लिए सबमिट करना है आपको, जैसे कि यह दिख लीजिए कि यह गेट ओटीपी दे रहा है, तो हमने यह गेट ओटीपी पे डाल दिया। अभी समझ रहे हो कि मेरा एक चीज़ छूट गया है, इसमें बोल रहा है लास्ट नेम डालने को, तो समझ लीजिए मैंने लास्ट नेम डाल दिया। अब इसके ऊपर हम ओटीपी के लिए रिक्वायरमेंट किया, अभी कंपनी वालों ने यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, तो ये ओटीपी डालते ही अपना देखिए हमारा कंपनी वालों की तरफ से एक ओटीपी आया। अभी हम इसमें यह ओटीपी डाल दिया, ये लो ओटीपी हमने इसमें डाल के, और फिर इसके नीचे दे रहा है सबमिट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे उसके बाद से इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। देखिए अभी हमने इसमें ओटीपी डाल के और ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि यह मेरा नाम भरा था, मैंने शैलेश साहनी करके भरा था, वो हमारा नाम इस पे दे दिया कंपनी वालों ने। उसके बाद से आपको यहाँ पे दे रहा है आपका पॉइंट बैलेंस कितना है, या मेरा पॉइंट बैलेंस है 30 पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें 30 पॉइंट है। उसके बाद से मैंने कूपन स्कैन किया नहीं है, कूपन स्कैन करने से पहले ऐप आप चालू करते हो ना, तभी कंपनी वाला आपको 30 पॉइंट इसमें डाल के देता है। अभी आपको इसमें कूपन स्कैन करने का जो ऑप्शन है, इसमें आसानी से इसको कूपन स्कैन कर सकते हो। ये है हमारा कूपन स्कैन करने का ऑप्शन, यहाँ पे दे रहा है। अभी आपको कूपन स्कैन करने के बाद इसके पैसे कैसे निकलेंगे, वह आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यह पॉइंट है, पॉइंट टू कैश, ये पॉइंट टू कैश, अभी समझ लीजिए कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट 30 पॉइंट रहेगा तो भी पैसे निकलेंगे। अभी ये तो कंपनी वालों का दिया हुआ है तो इसके पॉइंट नहीं निकल सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम 30 पॉइंट करना है तभी उसके पैसे निकलेंगे। और आपको माई अर्निंग, जैसे कि आप इसमें अर्निंग करने के लिए, मैंने इसमें टोटल 1450 पॉइंट अर्निंग किया है पहले से। अगर आपको इस तरीके से फॉर्म भर के अपना ऐप चालू करना है तो जैसे मैंने किया वैसे ही आप चालू कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में पूरी हेल्प करूँगा, और आपको मैं अपना नंबर दूँगा, आप उन नंबर से बात कर सकते हो हमारे से, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको एक अलग वीडियो में।